बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद खैरियत से, अल्लाह का शुक्र हम सब भी खैरियत से। आइए भाई, आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज एक नहीं, आज दो दो खड़ी। अजय भाई, आज जो माशाल्लाह भाई, ईद दी पहली पहली भाई हमने भी जो सिलाई शुरू करने लगी हैं। ये देखें भाई, एक वाइट ड्रेस, ये जो हमारे पास जो आमना है ना, उनका है, उसका है ना। हाँ जी भाई, उसी के बनाना है ये। उसने भाई उसका शौक है, मैंने वाइट बनाना है भाई। वो हमारे गांव पे काम करती है, उसने कहा आंटी आप मुझे सिलाई करके दें। ये उसकी मैंने कटाई भी करनी है, ये गोल घेरे वाला, घेरे वाला और ये समोसा टाइप शलवार, इस टाइप का हमने सिलाई करना है। हाँ, तो ये उसके ऊपर हमने भाई लेस लगानी है, ये रेड कलर की। भाई हाजी साहब ने भाई ये तकाफ बैठना है, आपने कहाँ बैठना है भाई? माशाल्लाह भाई, खुश मिजाज है, हंसते बैठे ना, मैं मजाक चलता पी है। तो भाई होर जितनी कोशिश अल्लाह की मदद करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला पुछ के सब नु हिम्मत देवे, तौफीक देवे। तो भाई ये सब सारी शेयर करेंगे। अच्छा जी, ये देखें भाई, इधर इस तरह मैंने जो एक पट्टी ऊपर लगानी है, बटन टेक वाली जो पट्टी होती है ना, वो उसकी मैंने भाई इस तरह कटाई कर ली है। ये है पट्टी इधर ऊपर लगानी, उसके बाद ये आगे हमने भाई कफे लगानी है, ये भी हमने भी काट ली है। ये छोटी पट्टी जो छोटी नीचे होती है बटन टेक, ये ऊपर होती है काज वाली पट्टी, ये हमने भी दोनों काट ली है। ये तो उन्हीं को ही समझ आ रहा होगा जो सिलाई स्टिच करती है। हाँ जी, बाकी सिदरा मेरा वर्गियन की पता, हालात चेक करें। सास वाले काम पे आ रही, फिर सास बहू वाला झगड़ा शुरू हो जाना है। बहू हमेशा के लिए वापस आ चुकी है, लाहौर छाड़े आई है, पैकिंग वगैरह सब कुछ करके आई है। तो लिहाजा हूँ भाई, सारियाँ लड़ाइयाँ झगड़े सब कुछ चलना, तो सारे खूब मस्ती करना। मामू बीच कह रहे हैं बस बस ये कर जाए लाहौर। मैं ब्लॉग च बैठी है, सारी पैकिंग वगैरह करके रख के आए। बस आज कटिंग हुई है। अच्छा भैया, जिस तरह में देखो सदाकत ने भाई दुकानदारी माशाल्लाह भाई चमकाई हुई है। मैं भी लूटने तो लगो सबको लूट रहे हैं भाई। ये देखो सदाकत से मैंने भैया तीन सूट ऑर्डर करवाए थे, ये देखो माशाल्लाह जबरदस्त। आपने फिर ये पकड़ लिया? हां, मैंने ना ये अच्छा लगा। ये कलर आप इनसे छुड़वा दें, कोई और कलर चेंज करवा दें बस। ये बहुत आला है, लेकिन इन्होंने पहना बहुत है। आप दुकानदार है, आपने तो कहना ही कहना है। पता नहीं मैं दुकान पे जिससे भी जावा ना, अरे मैं भी कलर भेज ना, ये पता नहीं मेरे निदेन लूटा है। बहुत प्यारा कलर है, खोल के दिखा भाई। दुकान तो आड़ी है, खोल के चेक करवाए ना। नहीं भाई, मेरा भाई है, मेरी हेल्प करे, समझ में अच्छा नहीं लगता फिर। तुम भाई बैठो, मैं खोल के आप भी दुकानदार से थोड़ा हटके भाई वाली साइड पे आ जाए, कलर चेंज करवा दें बस। हम तंग आ गए, सारे सूट गर्मी सर्दी का एक ही कलर है इनका। गर्मी जितने सारे सूट बनने हैं, मैं क्यों ना के बन जावे। चलें जी। अच्छा ये देखें भाई, एक सूट मैंने बलिया सदाका से, ये शलवार बहुत प्यारी, ये कैमरा में जो है ना थोड़ा कलर चेंज आ रहा है, लेकिन वैसे ज्यादा प्यारा है। अच्छा हाँ, ये दुकानदार तो ही आओ ना, वो भी यहीं अंदर पेट्रोल वाला कपड़ा चेक
चेक करे क्योंकि ना जो कमीज होंगे प्रिंट उरम परम हो सकता बरीक भी हो सकता सख्त भी हो सकता क्योंकि प्रिंट होंगे ना ये सिंपल प्लेन होंगे इस पता सही चलता है कपड़ा बड़ी जबरदस्त तारीफ हो रही है मैं आप ही कपड़े माशाल्लाह कभी हल्के पाए नहीं लेकिन भाई कच्चा कपड़ा ना बड़ा मजे था ये प्रिंट चेक करें ना बॉर्डर इस तरह दुपट्टे का मैं खुलवाई ना ये माशाल्लाह ये मेहंदी कलर कौन छोड़ सकता है मामी तो नहीं छोड़ सकती मैं छोड़ सकती बड़ा मुलायम कपड़ा है ये हां जी बहुत मुलायम माशाल्लाह बड़ा प्यार आया इस तरह ना कैमरा में ना कलर थोड़ा चेंज आ रहा है बट रियल ज्यादा प्यारा है हां नहीं अच्छा कपड़ा अच्छा ये रहा भाई एक सूट मैंने पहन लिया ये एक को दो तीन माशाल्लाह भाई एक के ना मैं एक ईदी देनी है अपनी दोस्त को उसके लिए मैंने लेनी कौन सी दोस्त है अब सादिया आंटी सादिया ठीक है आंटी सादिया की माशाल्लाह एक बार उसको पसंद कराने पे इनने जो उसने एक पसंद होया ना एक उसने दे छन ठीक हो गया उस बाद एक सूट वो भी मेरा माशाल्लाह जबरदस्त आ भाई कलर दी मजेदार नहीं आ तो मैं नहीं देंगी किसी ने चेक करो दुपट्टे का प्रिंट चेक करो ये देखो माशाल्लाह क्योंकि हम आपकी दुकान पे आए हैं आपकी पसंद अच्छी है इसलिए आप मेरी दुकान पे आए मैं दुकान में तो कपड़ा मजेदार अच्छा है ਯਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਇਤਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਮੈਂ ਫੋਨ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਮਾਮੀ ਮਾਮੀ ਮੈਂ ਹਾਂ लेकिन जो डिजाइन थे ना प्रिंट्स वगैरह वो मेरा ख्याल है उस टाइम वाले ज्यादा प्यारे थे इनसे ज्यादा प्यारे थे वो स्टॉक बहुत मजे का था लेकिन ये भी बहुत मजे का है क्योंकि ना आए दिन ना तब्दीली आती है ना ब्रांड का कपड़ा सब कुछ जेड़ा पहले वाला माल है वो खत्म हो चुका है हम सब नया माल आया आ रहा सूट जो पाया ना ओ मैं दुआएं दे से आप दुआएं दीजिएगा मेरे पता क्या अंदर कपड़े तो चेंज करें दी नहीं ये तो कपड़े ला ला के पता नहीं रख दी कि आया सूट पे मैं पा के आपको जरूर चेक करूं ऐसा माशाल्लाह जबरदस्त ये बाकी सारे किधर करती हैं वो तो बताएं वो किधर जाते हैं बाकी सारे अच्छा लॉन वाले जो है ना वो तो जल्दी मतलब ऐसे हो जाता है जैसे पुराने पुराने लगना शुरू हो जाते हैं एक दो बार धोने के बाद इस ये मुझे बहुत पसंद है ये बहुत प्यारा है नहीं ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है ये तो बहुत नहीं इसके कलर्स बहुत प्यारे हैं अंदर से कलर बहुत प्यारे हैं इसके नहीं वो फ्रंट उधर से मुझे लगता है और मंगवाने पड़ेंगे नहीं ये बहुत प्यारा है ये उन दोनों से ज्यादा प्यारा है ये जबरदस्त है चेक करिए ये कलर बहुत प्यारे हैं ये वाला प्यारा है ऐसे ही लाइट पर्पल और वो अंदर पता नहीं कौन कौन से शेड आ रहे हैं बहुत ज्यादा इसका कमीज भी प्यारा है इस पे आप मेरे बारे में सोचें दोस्त को बाद में देखिएगा बहुत प्यारा है हाँ ये बहुत प्यारा है नहीं अगर तेरे को पसंद है तो तू ले ले मुझे पसंद है हाँ ठीक हो गया हाँ जी मेरी ना दीदी हो गई कोई मसला नहीं ये बहुत प्यारा है भाई एक मेरी दोस्त था मेरा मेरी किस्मत शायद वो ही आज आने पाए रहे कह रही हाँ जी भाई शॉपिंग में मैं सदाका से की है माशाल्लाह भाई अच्छा कपड़ा है मजे का है जबरदस्त आप भी जरूर है सुनो भाई अगर कमाए चेक करें माशाल्लाह जरूर पसंद है उसे चलिए दुकानदार
जी तो हमारे सफर का आगाज हो चुका है। यहाँ पे हम लोग टोल टैक्स देने के लिए रुके हैं। पहले जो ट्रैफिक यहाँ शोरकोट से जाती थी नैया वगैरह के लिए, तो वो पहले जाती थी बल्लू बोर्ड त्रिपुर एंड 18,000 ऊपर से, हाँ वहाँ से होके गढ़ मोड़ आती थी। अब इस ब्रिज के बनने से तकरीबन 100 किलोमीटर का सफर की कमी पैदा हो गई है। और ये यानी दो सफर दो शॉर्टकट रास्ता बन गया है। ये चार का आप ये 15-20 मिनट में तय हो जाता है। तो नहीं जो ये आ गया है सामने सुल्तान बाहू, अच्छा ये हेल्थरी मॉल सैडल जो लिए जाओ ना तो मैं पूरी दिहाड़ी लग जाऊँ। ये हम जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं बाहू सुल्तान दरबार पे। ये देखिए इस तरह ना भाई दुकान में खिलौने बच्चों के हैं, बच्चों के खिलौने, और ये पार्किंग एरिया है, रश काफी ज्यादा है। ये बच्चों के खिलौने काफी ज्यादा है, रश है भी है और माह रमजान भी है, इस वजह से लोग जो है ना वो ज्यादा आते हैं। काफी अगला है। ये जी हम दरबार में आ चुके हैं। ये है जी दरबार, यहाँ पे आप लोग रश देख सकते हो कितना ज्यादा होता है। अच्छा जी ये जगह है जहाँ पे मामू ने आना है बैठना है इत्तकाफ के लिए। बगैर कान वाली बगैर कान वाली बगैर कान के आगे जाके देख लो इसमें पिले करो बगैर कान के शेप। जी तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, मामी को वापसी पर पसंद आ गई हैं टोकरियाँ, और साथ साथ मैंने भी कह दिया कि मैं भी एक लूँ। अच्छा वो वाली दे दो, वो एंड वाली देखिए उनके ना उसका कलर चेंज है और नीचे वाली का कलर चेंज है। ये वाली कह रही हूँ इधर। इनका मतलब साइज भी ठीक है, इतनी प्यारी, लेकिन ना वो करीब से थोड़ी सी है रफ रफ सी है। ये देख लें फिर छोटे छोटे बच्चों की चेयर्स। ये चम्मच स्टैंड ये मैंने ऑनलाइन देखा था, वो डील लगी हुई होती है ना उनकी, और ये चारपाई छोटी सी और ये चम्मच स्टैंड। ये दो टोकरियाँ ली हैं हमने। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन को प्रेस करते जाएं, और हमारी वीडियोस को लाइक भी करते जाएं।